रोड स्थित दुकानों में 18 जून को रात्रि में ताला तोड़कर और छत का चदरा उखाड़कर दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना को लेकर रोशन कुमार ने हसडिया थाना में लिखित आवेदन दिया था। हसडिया पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के कांड की उभेदन हेतु सात पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक हसडिया के भौतिक रूप से साक्ष्य एकत्रित करने तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। हसडिया पुलिस की टीम ने महज 24 घंटे के अंदर ही चोरी में शामिल अपराधियों और चोरी हुए सामानों को बरामद कर जब्त करने में सफलता प्राप्त की, जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है। चोरी की घटना को शामिल मोहम्मद रकीब अंसारी और प्रफुल्ल कुमार को हिरासत में लिया गया। उक्त दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 2500 चौकदो रुपए नगद, 5 मोबाइल और 1 हथौड़ा बरामद किया गया है। सर क्या है पूरा? दिनांक 18/6/21 की रात्रि में हसडीहा गोड्डा मुख्य मार्ग स्थित 4 दुकानों में चोरी की घटना प्रतीत हुई थी, जिसमें रोशन कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर हसडीहा थाना कांड संख्या 5121 दिनांक 19/6/21 धारा 461 379 दर्ज किया गया था। स्वान अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 के घंटे के अंदर कांड में चोरी हुए सामानों जैसे मोबाइल एवं पैसे की बरामदगी कर ली गई एवं चोरी में प्रयुक्त हथौड़े को भी बरामद कर लिया गया एवं दो अभियुक्त प्रफुल्ल कुमार एवं मोहम्मद रफी अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है।